Okay, hello guys, so let's begin the next video in the series of previous year questions of SSC JEE from the past years. Here we are now starting the topic called welding, and previously we have discussed the metal casting video in with the previous videos. Okay, so now we are upon the welding portion. And welding portion, this is the fourth video in this series of videos where I'm going to discuss welding. So first of all, 35th question, in helium arc welding the electrode is made of option A copper, option B carbon, option C mild steel, option D tungsten. सो दिस कैन बी टेकन अप एज गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग की तरह इसको लिया जा सकता है, और इनर्ट गैस यहाँ पे जो है हीलियम है, और हमको पता है कि यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रोड होता है वो टंगस्टन का बना रहता है. इसमें किसी तरह की कोई भी शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए. ओके, सो हियर इट इज टंगस्टन. 36th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूजेज नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स. वो इलेक्ट्रोड्स जो पूरे प्रोसेस के साथ साथ डिग्रेड या डिप्लीट नहीं होते हैं उनको ही कहते हैं नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स. तो कौन से वेल्डिंग प्रोसेस में नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज किए जाते हैं? ए लेजर वेल्डिंग, बी मिग वेल्डिंग, सी टी आई जी वेल्डिंग, या डी आयन बीम वेल्डिंग. सो हमको पता है अच्छे से कि इसका आंसर टी आई जी वेल्डिंग है, यानी टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग. मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग नहीं हो सकता, आयन बीम वेल्डिंग नहीं हो सकता, लेजर वेल्डिंग नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें सारे के सारे कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स यूज किए जाते हैं. कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स ही जाके जो है आपके डिपॉजिट होते हैं, जहाँ पे भी वेल्डिंग करनी होती है वहाँ पे कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स ही डिपॉजिट किए जाते हैं. बल्कि टी आई जी वेल्डिंग में आपका जो फिलर मेटल होता है, जो आउटर कवरिंग होती है इलेक्ट्रोड की, वहाँ पे लगा रहता है, और वही टाइम के साथ जो है मेल्ट होता है और वापस जहाँ पे वेल्डिंग होनी होती है वहाँ पे जाके गिर जाता है, और वेल्डिंग हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है. ठीक, सो दैट ब्रिंग्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 37th क्वेश्चन. इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग द प्रेशर इज रिलीज, द प्रेशर इज रिलीज. रेजिस्टेंस वेल्डिंग में प्रेशर रिलीज कब होता है? ए ऑप्शन जस्ट एट द टाइम ऑफ पासिंग द करंट, बी ऑप्शन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ करंट, सी ऑप्शन आफ्टर द वेल्ड कोर्स, या डी ऑप्शन ड्यूरिंग हीटिंग पीरियड. सो इसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज व्हेन द वेल्डिंग कूल्स. रेजिस्टेंस वेल्डिंग में जब प्रेशर कहाँ रिलीज होता है? जब वेल्ड कूल होता है. क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हम हाई प्रेशर आ जाएगा जहाँ पे भी वेल्ड पूल होता है, वहाँ पे जहाँ पे भी डिपॉजिशन होगा वेल्ड पूल में, तो धीरे धीरे टाइम के साथ जब जब उसमें मेटल डिपॉजिट होना जाता है तो एक फोर्स के साथ एक इम्पैक्ट होगा, वो सर्टेनली वहाँ पे धीरे धीरे करके प्रेशर बिल्डअप होता चला जाएगा उस रीजन में, और वो प्रेशर तभी रिलीज होता है जब पूरी तरह से वेल्ड पूल आपका पूरी तरह से सॉलिडिफाई हो जाता है और ठंडा हो जाता है, तब जाके उसका जो है प्रेशर रिलीज होता है. यानी ऑप्शन ए टाइम ऑफ पासिंग द करंट, यानी जब आपकी तुरंत वेल्डिंग हो रही है. अब बी आफ्टर कंप्लीशन करंट में यहाँ पे जो है सॉलिडिफाई नहीं हुआ है अभी, वो ठंडा कैसे होगा? डी ड्यूरिंग हीटिंग पीरियड में तो कैसे, बिल्कुल ही प्रेशर नहीं रिलीज होगा उस पीरियड में, वहाँ तो इनफैक्ट प्रेशर बढ़ाया जा रहा है आपका. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, 38th क्वेश्चन, ऑक्सीजन टू एसिटिलीन रेशियो इन केस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग. ऑक्सीडाइजिंग के केस में हमें पता है कि ऑक्सीजन का कंटेंट जो है ज़्यादा होगा, तो ऑक्सीजन का कंटेंट यहाँ पे इस ऑप्शन में देख लीजिए ज़्यादा कहाँ कहाँ पर है. 1:2, 1.2:1, 1.5:1, 2:1. सो इस केस में जो आपका ऑक्सीजन टू एसिटिलीन रेशियो है और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, वो 2:1 होता है. ये एक स्टैंडर्ड पेट क्वेश्चन है, इसको आप एज इट इज जो है याद कर लीजिए, हर जगह आपको काम आएगा. ठीक है, अनदर क्वेश्चन, द मटेरियल यूज फॉर कोटिंग द इलेक्ट्रोड, मटेरियल यूज फॉर कोटिंग द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड को कोट करने के लिए कौन सा मटेरियल यूज होता है? इसको कहते हैं प्रोटेक्टिव लेयर, या बाइंडर, या स्लैग, या फ्लक्स. क्या है, कौन सा मटेरियल ऐसा है जो इलेक्ट्रोड को कोट करने के लिए इस्तेमाल होता है? ए ऑप्शन प्रोटेक्टिव लेयर, बी ऑप्शन बाइंडर, सी ऑप्शन स्लैग, डी ऑप्शन फ्लक्स.
तो इसका जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर है वो है फ्लक्स। फ्लक्स ही होता है जो आपके इलेक्ट्रोड के चारों तरफ लगा रहता है, चारों तरफ ऐसे करके लगा रहता है। फ्लक्स फ्लक्स ही है जो आपके इलेक्ट्रोड के चारों तरफ लगा रहता है, और इसी से जो है मटेरियल, यही वो मटेरियल है जिससे जो है कोटिंग होती है। ठीक है, सो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेसेस यूजेस नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, कौन सा वेल्डिंग प्रोसेस जो है नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करता है? ऑप्शन ए लेजर वेल्डिंग, ऑप्शन बी मिग वेल्डिंग, ऑप्शन सी टिग वेल्डिंग, या फिर ऑप्शन डी एम आयन बीम वेल्डिंग। इसमें से कौन सा वेल्डिंग प्रोसेस है जो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करता है? ए लेजर, बी, ये पुराना सवाल जो है वही रिपीट हो गया है ना, और इसका हमें पता है कि आंसर जो है सी टीआईजी वेल्डिंग होगा, यानी टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग होगा। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेल्डिंग एसेसरी, इसमें से वेल्डिंग एसेसरी कौन सी नहीं है, यानी वेल्डिंग एसेसरी यानी वेल्डिंग की ऑक्सिलरी, इसमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस, कौन सा ऐसा वेल्डिंग एसेसरी जो है नहीं है? तो इसका ऑप्शन ए है पहला केबल, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोड होल्डर, ऑप्शन सी हैंड स्क्रीन, या ऑप्शन डी ग्लव्स। सो इसका मोस्ट प्रोबेबल जो आंसर है वो है केबल। केबल इज नॉट अ वेल्डिंग एसेसरी। इलेक्ट्रोड होल्डर, ग्लव्स और हैंड स्क्रीन तो सब इस्तेमाल हो जाएगा वेल्डिंग में, पर आपका जो है वेल्डिंग एसेसरी केबल नहीं है। सो इट्स गुड। क्वेश्चन नंबर 42, द ट्रांसफार्मर यूज्ड फॉर एसी वेल्डिंग सेट्स, एसी वेल्डिंग सेट्स के लिए किस तरह के ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है? जो एसी वेल्डिंग यानी डायरेक्ट आपका जो ऑल्टरनेटिव करंट है, ऑल्टरनेटिंग करंट है, यहाँ से आपकी आप जान रहे हैं कि झटके या करंट आपको अच्छे से दे सकता है, तो एसी वेल्डिंग सेट के लिए किस तरह के ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल होगा? बी ए बूस्टर टाइप, बी स्टेप अप टाइप, सी स्टेप डाउन टाइप, या डी इक्वल टर्न रेशियो टाइप। चूंकि ये देखिए ये थोड़ा सा आपका इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हुआ थोड़ा सा क्वेश्चन है, पर ये आपके वेल्डिंग में भी बहुत ही एक्सटेंसिवली इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल, तो इस वजह से हमें इस क्वेश्चन को एज अ पेट क्वेश्चन हमें याद कर लेना है, और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, स्टेप डाउन टाइप। स्टेप डाउन टाइप ट्रांसफार्मर इज यूज फॉर एसी वेल्डिंग सेट्स। ओके, सो इसको हमें ऐसे एज इट इज ही याद कर लेना है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज गिरा देंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज बढ़ा देंगे। ओके, सो हमें इतनी ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत नहीं है, हमें क्वेश्चन एज इट इज जो है पेट क्वेश्चन ही पकड़ने हैं। So moving on to the next question, that is question number 43, in which type of welding is pool of molten metal used? किस तरह के welding में molten metal का जो है मतलब molten metal का इस्तेमाल होता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रोस्लैग, ऑप्शन बी सबमर्ज्ड आर्क, ऑप्शन सी मिग वेल्डिंग, ऑप्शन डी टिग वेल्डिंग। तो किस में मोल्टन मेटल का इस्तेमाल होता है? मोल्टन मेटल का इस्तेमाल उसी में होगा जिसमें आपका मेटल जो है अटैच्ड हो एज अ कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। तो ये आपका किस केस में होगा? ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग में हो सकता है। कंज्यूमेबल मतलब इलेक्ट्रोड बीम आ रही है और वो जो है दोनों तरफ से मेटल को गला के जो है ले जा रही है। दिस इज द ऑप्शन दैट इज 43 बाई इलेक्ट्रोस्लैग, पूल ऑफ मोटल मेटल इज यूज्ड। प्लेन एंड बट वेल्ड्स, प्लेन एंड बट वेल्ड्स में भी यूज्ड ऑन मटेरियल्स अप टू अप्रोक्सीमेटली कितने थिकनेस तक के प्लेन और बट वेल्ड्स जो है कितने तक के कितनी थिकनेस तक के मटेरियल में इस्तेमाल होते हैं? ऑप्शन ए 25 mm थिक, ऑप्शन बी 40 mm थिक, ऑप्शन सी 50 mm थिक, ऑप्शन डी 70 mm थिक। तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है ए ऑप्शन, दैट इज 25 mm थिक।
थिकनेस सबसे कम प्लेन इन बट वेल्ड्स में भी यूज मटीरियल 25 इन आर्क वेल्डिंग. आर्क वेल्डिंग में आर्क इज क्रिएटेड बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड वर्क. इलेक्ट्रोड आर्क क्रिएट हो रही है इलेक्ट्रोड और वर्क के बीच में आर्क वेल्डिंग में. तो अब ये बताइए आर्क वेल्डिंग में आर्क क्रिएट हो रही है इलेक्ट्रोड और वर्क के बीच में, तो किस चीज से क्रिएट हो रही है आर्क, क्यों बन रही है? ऑप्शन ए फ्लो ऑफ करंट, ऑप्शन बी वोल्टेज, या ऑप्शन सी मेटल मटेरियल थिकनेस, या फिर ऑप्शन डी कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस. तो इसका जो मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन है करंट. करंट ही जो है वही तो आर्क क्रिएट कर रही है. वोल्टेज से तो आपका जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस जिसकी वजह से आपका करंट फ्लो कर पा रहा है बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस. मटेरियल का थिकनेस इज नथिंग टू डू विद दिस आर्क एंड नॉट इवन कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस. कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस से आपका डिपोजिशन हो सकता है, एक बार थोड़े स्पॉट बन सकते हैं, पर इसकी वजह से आर्क बिल्कुल नहीं क्रिएट होता है. आर्क सिर्फ और सिर्फ करंट की फ्लो की वजह से क्रिएट होता है जो आपको दिखता है वहाँ पे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 46 क्वेश्चन. फॉर आर्क हीटिंग द इलेक्ट्रोड्स आर मेड ऑफ. आर्क से हीट करने के लिए इलेक्ट्रोड्स किस चीज़ से बनते हैं? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी ग्रेफाइट, ऑप्शन डी AC SR कंडक्टर. इसमें आर्क हीटिंग यानी टंगस्टन एट आर्क हीटिंग, आर्क से जो है हीटिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन बीम से हीटिंग नहीं हो रही है आपकी, ना ही जो है कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस की वजह से हीटिंग हो रही है. इस केस में जो इलेक्ट्रोड्स हैं जब ऐसा केस आता है तो वो उससे बने रहते हैं मोस्ट प्रोबेबली ग्रेफाइट से बने रहते हैं. इलेक्ट्रोड्स आर मेड अप ऑफ ग्रेफाइट्स. इस क्वेश्चन को आप जो है मार्क कर लीजिए और आपके इस्तेमाल में आ जाएगा. ठीक, आगे भी इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए. ऑप्शन सी ग्रेफाइट. एल्युमिनियम नॉट दैट अ गुड कंडक्टर, बट कॉपर इज़ वेरी एक्सपेंसिव. ACR कंडक्टर इज मोस्ट प्रोबेबली द इंसुलेटर, बट दैट इज गिवन अ कंडक्टर. इसका ऑप्शन जो है एक्सटेंसिवली आपको पढ़ना पड़ेगा इसके लिए अलग से. नाउ मूविंग ऑन टू द 47th क्वेश्चन. इन आर्क वेल्डिंग आर्क इज क्रिएटेड बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड वर्क. आर्क वेल्डिंग ये क्वेश्चन फिर से पीछे से रिपीट कर गया, ये क्वेश्चन ऊपर से रिपीट कर गया. इसका आंसर जो है 47th का ही था, फ्लो ऑफ करंट. ऑक्सीजन टू एसिटिलीन रेशियो इन केस ऑफ न्यूट्रल फ्लेम. न्यूट्रल फ्लेम है, ऑक्सीजन टू एसिटिलीन क्या होगा हमको सबसे पता अच्छे से पता है. ये एक पैट क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है B 1:1 है. इसमें हमें किसी डीपर जो है नहीं जाने की जरूरत है. ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 49 द फिनोमिना ऑफ वेल्ड डीके. वेल्ड डीके कब होता है, कहाँ पे होता है? ए कास्ट आयरन में, बी ब्रास में, सी ब्रॉन्ज में, या डी स्टेनलेस स्टील में. तो ये वेल्ड डीके का जो फिनोमिना होता है ये आपका होता है स्टेनलेस स्टील में. स्टेनलेस स्टील एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपका वेल्ड डीके हो सकता है, बाकी कास्ट आयरन में नहीं होगा, ब्रास में नहीं होगा, ब्रॉन्ज में नहीं होगा, है ना. इस क्वेश्चन को भी आप जो है मार्क कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए. ये क्वेश्चन आपके जो है थोड़ा सा लीक से, मतलब एक पैट टाइप का क्वेश्चन जो ज़रूर है, पर ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है ना, ये फैक्ट से निकला है. अब मूविंग ऑन टू द 50th क्वेश्चन. प्रोजेक्शन वेल्डिंग, व्हाट इज प्रोजेक्शन वेल्डिंग. प्रोजेक्शन वेल्डिंग हमको पता है, हम इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, पर लेट्स मूव ऑन टू द ऑप्शंस. इट्स ए मल्टी स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस, या बी कंटिन्यूस स्पॉट वेल्ड प्रोसेस, या फिर डी इज यूज टू फॉर्म मैच, सी या फिर डी यूज टू मेक कैंटिलीवर्स. प्रोजेक्शन वेल्डिंग का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? तो इस केस में जो हमारा आंसर है वो है मल्टी स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस. हमको पता है स्पॉट वेल्डिंग में एक ही स्पॉट बनता है, पर अगर आपको सीमलेस वेल्डिंग चाहिए तो उसमें सेट ऑफ स्पॉट्स को लगा के रोलर चला देते हैं उसके ऊपर. प्रोजेक्शन वेल्डिंग में आपको मल्टी स्पॉट वेल्डिंग है, एक तरह का प्रोजेक्शन अगर उभारना हो, एम्बॉसिंग करनी हो, तो दैट इज अ मल्टी स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस. सो वी हैव डन टिल क्वेश्चन नंबर 50. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. That is 51st question. 51st question. Which of the following welding process? कौन सा welding process जो है
कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करता है। हमें पीछे पता था नॉन कंज्यूमेबल पढ़ा था, नॉन कंज्यूमेबल में हमें पता था टिक वेल्डिंग है, अब कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड कहाँ का इस्तेमाल होता है, लेजर वेल्डिंग, थर्मेट वेल्डिंग या बिग वेल्डिंग। तो इसका जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर है जो कि हर जगह आपका इक्वली ट्रू होगा वो होगा MIG वेल्डिंग यानी मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। यहाँ पे जो है मेटल जो है एक इलेक्ट्रोड की तरह इस्तेमाल होता है, इनर्ट गैस उसको एक कवरिंग इनक्लोजिंग देती है और उसके बाद इनको जो है मेटल ही जो होता है जो मेल्ट होकर डिपॉजिट होता है एज इलेक्ट्रोड इस्तेमाल होके, है ना। तो आप इसमें देखेंगे DC डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी या तो DCRP होगा, डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी होगा, या तो AC करंट होगा, है ना। तो इस तरह की पॉसिबिलिटी बनती है ओमेगा वेल्डिंग में। इस तरह का एक ये केस देखा गया है कि ये कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड के लिए जो है सबसे बेस्ट सूटेबल है। अब क्वेश्चन नंबर मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52, वेल्डिंग प्रोसेस यूजिंग अ पूल ऑफ मोल्टन मेटल इज, हमें पता है ये अभी लगभग लगभग यही सवाल हमने पीछे भी डिस्कस किया और इसमें जो है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग इज द करेक्ट ऑप्शन। वेल्डिंग प्रोसेस यूजिंग अ पूल ऑफ वेल्ड मेटल इज सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। ओके, नाउ 53rd, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग प्रोसेस, कौन सा इसमें एग्जाम्पल है सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग प्रोसेस का। ऑप्शन ए टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, ऑप्शन बी मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, ऑप्शन सी सबमर्ज आर्क वेल्डिंग या ऑप्शन डी रेजिस्टेंस वेल्डिंग। इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग प्रोसेस का, यानी इसमें जो है आपकी थोड़ी बहुत ऑटोमेटिक मशीन्स का भी इस्तेमाल होगा, ऑटोमेटिक सेटअप का भी इस्तेमाल होगा, मैनुअल सेटअप नहीं होगा। ठीक, तो इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में यहाँ पे इस्तेमाल होता है। टिक वेल्डिंग थोड़ा सा ओल्ड है, थोड़ा सा कन्वेंशनल टाइप की वेल्डिंग में आ जाता है, है ना। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में भी कुछ ना कुछ वैसे ही रिलेटेड है और सर रेजिस्टेंस वेल्डिंग तो आपको पता ही है पूरी तरह से एक मैकेनाइज्ड वेल्डिंग है, मैकेनिकल वेल्डिंग है। तो आपका इसमें मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग जो है जो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड बना के चलता है, कंज्यूमर इलेक्ट्रोड लगा के रखता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ MIG वेल्डिंग है, बिग वेल्डिंग जिसे आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, इसे आप याद कर लें, ये भी एक पेट क्वेश्चन है, इसे मार्क कर लें। सोल्डर क्या होता है, सोल्डर इट्स ऑल्सो ए पेट क्वेश्चन, आपने कई बार पढ़ा होगा सोल्डर कहाँ पे किया होता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या है, टिन लेड का या फिर सिल्वर लेड का या बिस्मथ लेड का या टिन सिल्वर का, किसका है। सिल्वर तो भैया आपका पता है, जानते हैं बहुत महंगा है, यहाँ पे ए ऑप्शन टिन लेड का है, टिन लेड का जो है बेस अलॉय है सोल्डर। नाउ क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55, फिलर मेटल कहाँ इस्तेमाल होता है, स्पॉट वेल्डिंग में, प्रोजेक्शन वेल्डिंग में, गैस वेल्डिंग में या सीम वेल्डिंग में। इसको हमें ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ गैस वेल्डिंग में इस्तेमाल होता है फिलर मेटल, यहाँ प्रोजेक्शन सीम हो, ये तो रेजिस्टेंस टाइप वेल्डिंग है, इसमें नहीं होगा। इन आर्क वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग में, इन आर्क वेल्डिंग द आर्क लेंथ कितनी होनी चाहिए, आर्क वेल्डिंग में आर्क लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये भी एक फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है। डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड रॉड बी 1.5 टाइम्स ऑफ द, यानी 3/2 ऑफ द, 1.5 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड रॉड, या ट्वाइस द डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड रॉड, या हाफ द डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड रॉड। तो ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको याद रख लीजिए। आर्क वेल्डिंग में जो आर्क लेंथ होनी चाहिए वो डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड रॉड के बराबर होनी चाहिए, इसमें कुछ समझने जैसा नहीं है। ओके, गेट के क्वेश्चंस में और ये आपके SSC के क्वेश्चंस में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होगी कि आप देखेंगे कि जो SSC के क्वेश्चंस हैं, ये छोटे मोटे, ये जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कई बार गेट में एक नंबर के क्वेश्चंस में आराम से पूछ लिए जाते हैं और उस समय हमको ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते पता नहीं रहते हैं, हमको नया लगता है उस समय और हमारे सवाल वहाँ अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं और क्वेश्चन वैसा का वैसा छूट जाता है। पर वही दो नंबर के सवाल जो गेट के हैं वो आपके इंजीनियरिंग सर्विसेज के कन्वेंशनल टाइप के पेपर्स हैं, है ना। और ये ज़रूरी नहीं कि SSC JEE का क्वेश्चन जो है आपका IES के प्रिलिमिनरी एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है उसमें नहीं पूछा जा सकता, वो भी पूछा जा सकता है। आप खुद ही देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 48, क्या ये क्वेश्चन इतनी वर्थ नहीं रखता कि ES के प्रीलिम्स में पूछा जाए, या फिर ये वेल्डी के, ये सब नहीं पूछा जा सकता। ये आपके UPSC AE जैसे पेपर्स में, चाहे आपके जितने भी स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस कमीशन है, चाहे आपके पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, चाहे आपका झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, चाहे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, चाहे आपका उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, MPSC मध्य प्रदेश हो गया, चाहे झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, चाहे छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, कहीं भी इंजीनियरिंग का एग्जाम हो रहा है वहाँ के लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं SSC JEE के, क्योंकि जितने भी स्टेट सर्विस एग्जामिनर्स होते हैं उनका लेवल कहीं ना कहीं इन्हीं एग्जाम्स पे आके मैच करता है। और इसमें हम ये नहीं कह सकते कि SSC का पेपर
एसएससी के पेपर को जो थोड़ा सा हमें लगता है कि इजी है या फिर हम नहीं कम मेहनत में भी कर सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि उसके जो 100 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो थोड़े नॉन टेक्निकल पोर्शन पूछ लेते हैं। बाकी जो 100 मार्क्स का जो टेक्निकल का पोर्शन है दैट इज़ ऑलवेज अ वेरी गुड काइंड ऑफ टेक्निकल पोर्शन। वो एक स्टैंडर्ड पेपर है, वो हर जगह पूछा जा सकता है एज इट इज़। सो मूविंग ऑन टू द 57th क्वेश्चन, ये जानकारी हमने आपको दे दी बीच में क्योंकि इट्स अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, मतलब फैक्ट है ये बात। आप मूविंग ऑन टू द 57th क्वेश्चन, द सोल्डरिंग आयरन इज हीटेड इन गैस फ्लेम, कब तक सोल्डरिंग आयरन को गैस फ्लेम में हीट किया जाता है? तो इसमें पहला ऑप्शन ये जो आ रहा है वो जब तक बिट को रेड हॉट ना कर दो, जब तक बी या तो कोटिंग को एक बोरेक्स की कोटिंग जो बिट पे लगी हुई है वो काली ना पड़ जाए, या फिर गैस फ्लेम्स जो है ऑरेंज कलर का ना हो जाए, या फिर गैस फ्लेम्स जो है ग्रीन कलर की ना हो जाए। तो हम सोल्डरिंग आयरन को तब तक हीट करते हैं गैस फ्लेम में जब तक बिट जो है आपकी रेड हॉट ना हो जाए। कहते भी हैं स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट, है ना, बाकी तो फिर हार्ड हो जाता है। तो नहीं, एक तरह से ये याद कर सकते हैं, पर आप पर सोल्डरिंग आयरन या जो हीट है हीट करते हैं गैस फ्लेम में तभी तक करते हैं जब तक वो रेड हॉट ना हो जाए और आपका जो फॉर्मेबल फॉर्म में ना आ जाए, किसी नए फॉर्मिंग प्रोसेस में जो है वो ना आ जाए। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो कि 58th क्वेश्चन है। 58th क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ वेल्डिंग मेटल, इन विच टाइप ऑफ वेल्डिंग मोल्डल मेटल इज पोर्ड फॉर ज्वाइनिंग द मेटल्स, ए आर्क वेल्डिंग, बी गैस वेल्डिंग, सी मिग वेल्डिंग, डी थर्मिट वेल्डिंग। तो इस केस में हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो है आर्क वेल्डिंग का, या बी गैस वेल्डिंग का, या सी MIG वेल्डिंग का, या डी थर्मिट वेल्डिंग का। तो हमें पता है कि वेल्डिंग मोल्डन मेटल कहाँ पे मेटल को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है, ये भी एक पेट क्राइम का क्वेश्चन है और इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी थर्मिट वेल्डिंग। थर्मिट वेल्डिंग ज़्यादातर आपकी रेल की पटरियों को भी जोड़ने के काम आता है, इस्तेमाल आता है, आयरन आयरन का स्लैग बनता है बहुत ही अच्छा सा। इन विच टाइप ऑफ वेल्डिंग मोल्डन मेटल इज पोर्ड फॉर ज्वाइनिंग द मेटल, इट्स ऑप्शन डी थर्मिट वेल्डिंग। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 59, द सोल्डरिंग प्रोसेस इज कैरीड आउट इन टेम्परेचर रेंज, सोल्डरिंग प्रोसेस किस टेम्परेचर रेंज में जो है आपका कैरी किया जाता है? तो इसका जो आपका ऑप्शन है वो है 1560, डी 70 से 150, या सी 150 180 से 250, या फिर डी 300 से 500। ये ऑप्शन सी है, सोल्डरिंग प्रोसेस जो है 180 से 250 डिग्री सेल्सियस के बीच में कैरी किया जाता है। ओके, 59 का सी। इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग में बोथ हीट एंड प्रेशर आर यूज टू अफेक्ट कोलेसेंस। इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग बोथ हीट एंड प्रेशर आर यूज टू अफेक्ट कोलेसेंस, तो इसमें जो प्रेशर नेसेसरी है, प्रेशर नेसेसरी टू अफेक्ट द वेल्ड, टू अफेक्ट द वेल्ड वेरीज फ्रॉम ऑप्शन ए 50 से 100 kgf/cm, ऑप्शन बी 100 से 200, ऑप्शन सी 250 से 500, ऑप्शन डी 500 से 850। और ये तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 250 से 500 kgf/cm². इन थर्मिट वेल्डिंग एल्यूमिनियम एंड आयरन दो, ये क्वेश्चन आप जो है नोट करके रख लीजिए। कोलेसेंस का मतलब होता है कि जोड़ना, है ना, तो कोलेसेंस का मतलब होता है जोड़ना किसी भी दो सिमिलर या डिसिमिलर चीज़ को, मोस्ट प्रॉबली डिसिमिलर चीज़ को। तो इन जोड़ने के प्रोसेस में जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग में इस्तेमाल होता है उसमें पूछा गया है प्रेशर कितना चाहिए, और प्रेशर इसमें जो है देख लीजिए KgF 250 से 500 kgf/cm² होता है। ये वैल्यू आपको याद होगी तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो फिर आप तुक्का लगाएंगे तो ये सवाल गलत हो जाने वाला है, जिसको याद होगा वो कर ले जाएगा। तो ये पैट क्वेश्चन है 2013 में पूछा गया है, आप इसको ऐसे ही याद कर लीजिए।
अब इन थर्मेट वेल्डिंग में एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड को किस प्रपोर्शन में जो है मिक्स किया जाता है। इसका जो आपका ऑप्शन है 1:3, बी 1:2, सी 1:1, डी 2:1, इसका आंसर जो है 1:3 है, क्योंकि आपको पता है Fe3C, आप Fe3C से याद रख लीजिए, इसका Fe3C से याद रख लीजिए, इसका ऑप्शन ही आंसर है 1:3। ओके Fe3, Fe एल्युमिनियम 1, आयरन 3। ओके सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द स्पॉट वेल्डिंग। और स्पॉट वेल्डिंग इज मोस्ट सुटेबल, स्पॉट वेल्डिंग कहाँ पे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल है फॉर जॉइनिंग पार्ट्स हैविंग थिकनेस, किस थिकनेस को जॉइन करने के लिए स्पॉट वेल्डिंग का इस्तेमाल होता है। तो इसका जो आंसर है वो है डी 10 mm, 10 mm तक की चीज़ों को जोड़ने के लिए स्पॉट वेल्डिंग का इस्तेमाल होता है। 10 mm की तक की थिकनेस को जोड़ने के लिए स्पॉट वेल्डिंग का इस्तेमाल होता है। ओके नाउ 63rd क्वेश्चन, थर्मेट वेल्डिंग। थर्मेट वेल्डिंग डिफर्स फ्रॉम अदर मेथड्स ऑफ वेल्डिंग। थर्मेट वेल्डिंग अलग दूसरे सारे मेथड से किस तरह से अलग है। ए इट डज नॉट यूज हीट, बी इट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग, सी इट डज नॉट रिक्वायर इलेक्ट्रोड, डी इट इम्प्लॉयज एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन फॉर डेवलपिंग हाई टेम्परेचर। तो इसका जो आंसर है वो है डी, थर्मेट वेल्डिंग अलग है दूसरे टाइप की वेल्डिंग से, इसलिए क्योंकि इसमें एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन जो है इस्तेमाल हो रही है हाई टेम्परेचर को लगाने के लिए। एक्सोथर्मिक हाई हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शंस इस्तेमाल हो रही हैं जो कि आपको ज़्यादा टेम्परेचर दे रही हैं, और जिससे ये जो है जुड़ने में आसानी हो रही है। लोहा गल रहा है, थर्मेट वेल्डिंग आपकी रेल की पटरी जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, लोहा गल के उसको जोड़ना, फिर उसको बाकी मशीनिंग प्रोसेस उस पर करना ताकि वो इस तरह से समतल हो जाए कि आपकी ट्रेन आराम से उस पर गुजर जाए और कोई ना किसी एक्सीडेंट के। इट्स अचीवमेंट इन इट्स सेल्फ। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 64, द कॉमनली यूज फ्लक्स फॉर ब्रीजिंग। किस ब्रीजिंग के लिए कौन सा मेटल का या फिर फ्लक्स जो है इस्तेमाल होता है। इसका जो ऑप्शन है स्लैग, बी बोरेक्स, सी लेड या डी कैल्शियम क्लोराइड। इसका जो आंसर है वो है बोरेक्स, बोरेक्स का मिश्रण आपका जो है फ्लक्स की तरह इस्तेमाल होता है ब्रीजिंग में। नाउ क्वेश्चन नंबर 65, इफ वेल्डिंग करंट इज पास्ड थ्रू द मेटल्स टू बी जॉइंड एंड हीटेड टू द प्लास्टिक हीट स्टेट। इलेक्ट्रिक करंट अगर पास हो रहा है मेटल को जोड़ने के लिए या फिर उसकी प्लास्टिक स्टेट तक उसको जोड़ने के लिए, तो उसको हम लोग जो है किस तरह की वेल्डिंग प्रोसेस से जो है किस तरह के वेल्डिंग प्रेशर को अप्लाई करके कंप्लीट कर सकते हैं या उस वेल्डिंग को क्या कहते हैं। तो इसका है ए फोर्ज वेल्ड, बी इलेक्ट्रिक आर्क वेल्ड, या सी रेजिस्टेंस वेल्डिंग, या डी थर्मिट वेल्डिंग विद प्रेशर। तो इसका जो आंसर है वो है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में ही हम ज़्यादा फोर्स अप्लाई करके जो है वेल्डिंग की प्रोसेस को अंजाम देते हैं। फोर्ज वेल्डिंग भी आपका देख लीजिए होता है, पर उसमें जो है स्पिन कराना पड़ता है, दैट इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन, है ना। तो प्रेशर का एप्लीकेशन जो है आपका सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस वेल्डिंग में होता है जिससे आप जो है वेल्डिंग करते हैं। 66 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग यानी रेजिस्टेंस वेल्डिंग का ही दूसरा एक तरह से कह सकते हैं टाइप हो सकता है ना। तो इसका जो ऑप्शन है वो फोर्ज वेल्डिंग है, क्योंकि फोर्ज वेल्डिंग में ही जो है सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है, इसमें जो है फ्लक्स का इस्तेमाल नहीं होता है, ये सिंपल सिंपल प्रेशर के एप्लीकेशन से ही होता है। तो ऊपर वाले में फोर्ज वेल्डिंग नहीं हो पाया था क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस वेल्डिंग दिया हुआ था, अगर रेजिस्टेंस वेल्डिंग नहीं दिया होगा तो वो फोर्ज वेल्डिंग ही है। ओके नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली 67, विच इज़ जनरली यूज फ्यूल गैस। फ्यूल गैस गैस वेल्डिंग में कौन सा फ्यूल गैस जो है गैस वेल्डिंग में इस्तेमाल होता है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी एसिटिलीन, या डी हीलियम। तो इसका जो आंसर है हम लोग सभी जानते हैं वो है एसिटिलीन, C2H2। फ्यूल गैस जो गैस वेल्डिंग में इस्तेमाल होता है एसिटिलीन ही होता है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 68 क्वेश्चन, स्पॉट वेल्डिंग। स्पॉट वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग और सीम वेल्डिंग किस कैटेगरी का है, ये आप सभी लोग जानते हैं। ये जो है आपका रेजिस्टेंस वेल्डिंग के टाइप है, तो इसका ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये वो करेक्ट हो जाएगा, रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 69, इलेक्ट्रोड यूज्ड इन TIG टंगस्टन इनर्ट गैस में किस तरह का इलेक्ट्रोड होता है, कॉपर टंगस्टन एल्युमिनियम या गास्टन, नामी टंगस्टन है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 69 क्वेश्चन का बी टंगस्टन। 70th क्वेश्चन में इन आर्क वेल्डिंग में टेम्परेचर जो आ रहे हैं
वो किस ऑर्डर के, आर्क वेल्डिंग में टेम्परेचर किस ऑर्डर का है, टेम्परेचर बहुत हाई उसमें होता है आर्क वेल्डिंग में, पर ज़्यादातर जो है 3500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आपका जो है नहीं जाता है गैस आर्क वेल्डिंग में, ठीक है। अब तो यही होगा आपका 35°, ये पहला क्वेश्चन है, ये याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 71, कंज्यूमर इलेक्ट्रोड्स कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, ए सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, बी TIG वेल्डिंग, सी कार्बन आर्क वेल्डिंग या डी MIG आर्क वेल्डिंग। तो सबमर्ज कंज्यूमर इलेक्ट्रोड्स आर यूज इन 71st का डी MIG मेटल इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग। ब्लैक कलर, ब्लैक कलर इज जनरली जनरली पेंटेड, कहाँ पे ब्लैक कलर जनरली पेंट होता है, ए एसिटिलीन सिलेंडर में या बी हाइड्रोजन सिलेंडर में या सी ऑक्सीजन सिलेंडर में या डी नन ऑफ द ऑप्शन। तो इसका जो आंसर है वो ये है, ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर में ही ब्लैक कलर का पेंट करके रख देते हैं, ये हमका गैस हमारा गैस वेल्डिंग में जो है एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन है, स्टैंडर्ड प्रोसेस है। ओके सो हियर इट इज ब्लैक कलर ऑक्सीजन। नाउ जो अगला क्वेश्चन, जो ये हमारा जो है टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है वेल्डिंग का। सो थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। अगर इन केस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं, एंड फील फ्री टू आस्क, एंड ऑल्सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अमंग योर फैमिली फ्रेंड्स एंड ऑल द एक्वेंटेंसेस। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ गुड डे।